हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस पाल वर्ल्ड का। और आज का जो पाल वर्ल्ड का एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने हमारी पाल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट नहीं देखी है। तो गाइस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पैलवेल नाम की हमारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, उसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। उसमें जो है ना गाइस, आपको अभी तक जितने भी एपिसोड हम लोग ने पैलवेल के अपलोड करे वो सारे लाइन से देखने को मिल जाएंगे। सो पैलवेल की हमारी प्लेलिस्ट जो है उसको प्लेलिस्ट सेक्शन से ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो गाइस अभी आज का जो पैलवेल का एपिसोड है, इसमें हम क्या करने वाले हैं। सो आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा, पिछले एपिसोड में हम लोग ने पांच लेवल का हमारा शैडो पैक करा था, उसका जो है ना गाइस हम लोग ने सोल डाल के इवोल्यूशन भी निकाला था। और आज के इस एपिसोड में अगर आप देखोगे इसका अटैक कितना है, 1716। और मैं आज के इस एपिसोड में आपको शैडो पैक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो मैंने वैसे आपको पहले भी बता रखा है, बट आज मैं वापस से बताऊंगा। और मुझे कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स जो है गाइस वो यहाँ पे पता चलिए, ठीक है मैं बताता हूँ। रुको, मुझे जो है ना गाइस यहाँ पे हुरकेट्स कहाँ चले गए मेरे। ए भाई हेलो, ये गाइस मेरे हुरकेट्स कहाँ चले गए यार, ये मेरे हुरकेट कहाँ पे हैं, मुझे हुरकेट्स की जरूरत है यार। अरे भाई दो ही रखे हुए मैंने हुरकेट यार। ये हुरकेट्स क्या करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सो ये हुरकेट जो होते हैं ना गाइस, मुझे और पकड़ने पड़ेंगे, मैं और पकड़ूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रात में स्पॉन होता है। अभी क्या हो रखा है, दोपहर हो रखे, ठीक है। 1700 डैमेज आ रहा था शैडो पैक का, अभी डैमेज देखो 1902। ये जो हुरकेट जो होते हैं, जितने इनके लेवलअप होगी ना उतने ज्यादा ही जो है ना गाइस ये डार्क टाइप, देखो नीचे लिखा हुआ है वाइल्ड इन टीम इंक्रीज अटैक पावर ऑफ डार्क पैल्स, मतलब जो आपके डार्क टाइप पैल से उनके अटैक पावर जो है ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे अगर ये आपकी टीम में रहेंगे तो। और ये गाइस इनकी स्पेशल एबिलिटी, तो जो मेरा 1700 का डैमेज जा रहा था वो अभी 1900 जा रहा है। एंड अगर मैं और दो हुरकेट्स यहाँ पे डाल दूँ और साथ में उन हुरकेट्स की समझ लो मैं भाई मैक्स लेवल अप भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो उससे क्या होगा पता है, उससे हमारा जो गाइस ये पाले ना शैडो बेग इसका डैमेज और भी ज्यादा खतरनाक वाला इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं हुरकेट्स के अंदर जो अटैक नहीं होता भाई, प्लेयर अटैक बढ़ाने वाला कुछ मूव्स होते हैं ना जिससे प्लेयर का अटैक बढ़ता है, वो अगर स्किल में हुरकेट्स के अंदर डाल देता हो तो उससे और भी ज्यादा डैमेज बढ़ेगा, उतने डिप में नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए तो हमको और भी ज्यादा ब्रीडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो मुझे अभी फिलहाल के लिए ना दो और हुरकेट्स की जरूरत है, ओपी वाले दो हुरकेट्स की जरूरत है। एंड साथ में अगर मेरे पास अटैक पेंडेंट है, इट्स डिपेंड पेंडेंट, अटैक पेंडेंट है, अटैक पेंडेंट इससे अटैक और बढ़ जाएगा हमारा अटैक पेंडेंट। यार अटैक पेंडेंट लेवल 2 ना मिला है मुझे, लेवल 2 नहीं मिला है, ये अनकॉमन वाला है, अटैक प्लस 1 है, प्लस 2 वाला चाहिए मुझे अटैक पेंडेंट। अटैक पेंडेंट अगर प्लस 2 वाला मिल जाता ना तो मजा आ जाता। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी गाइस मैं आपको जो है गाइस यहाँ पे अपने शैडो पैक का फिलहाल के लिए डैमेज नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं शैडो पैक का डैमेज जो है ना गाइस, वैसे अपने पिछले एपिसोड के एंडिंग में शैडो पैक का डैमेज जो है गाइस वो देख लिया है वैसे, ठीक है। बाकी अभी इसका जो गाइस हुरकेट्स के साथ जो डैमेज जाएगा ना वो मैं आपको दिखाऊंगा सीधा रात में। अभी रात होने दो, क्योंकि जैसे ही रात होगी मैं कुछ हुरकेट्स को पकड़ने के लिए गाइस यहाँ पे जाने वाला हूँ। रुको, तब तक हम लोग एक काम करते हैं। ए मेहमत भाई, तुम्हारे पप्पा का घर है क्या, चुपचाप से निकल रहे तो जाने दो चलो, वरना इन मेहमत के भी बैंड बजा देता। लाड़ में गाइस मेरे घर में घुस रहे, देखो लाड़ में घर में घुस रहे, घर में नहीं घुस रहे, रोड बना दिया है भाई, क्रॉस करके जा रहे मेरे घर को भाई, ठीक है करने तो नहीं 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 जा रहे, यहीं पे रुके हुए रुकना है। इस डिवाइन डिजास्टर की इनको पावर दिखाता है, डिवाइन डिजास्टर की पावर दिखाता है। ये ले बेटा डिवाइन, भाई डिवाइन डिजास्टर मारना था यार, डिवाइन डिजास्टर एक्टिवेट हो पाए मेरा उससे पहले गाइज ये मेहमत लोग मर गए भाई, मेरे जो क्या बोलता है मेरा जो भाई हेडबट वाला अटैक है उसी से मर गए। मैंने उनको टक्कर मारी और डायरेक्टली उनके ऑन द स्पॉट भाई डेथ हो गई, बताओ
मेरे डिवाइन डिजास्टर अटैक तो इनको लगा ही नहीं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब एक काम करते चुपचाप से रात होने तक का इंतजार करते, जैसे ही रात होगी वैसे गाइस मैं और दो और कैट्स को पकड़ने के लिए जाऊंगा, और उनको पकड़ने के बाद मुझे उनको मैक्स लेवल भी करना है। वो लेजेंडरी बॉल और बन रही है, पैलिनगढ़ कम बन रहा है, ठीक है चलो अल्ट्रा बॉल बनाते हैं। अभी बॉल्स की कमी नहीं हो गया हमको क्योंकि हमारे पास इनगट्स, और एक रुको एक काम करता हूँ मैं दूसरे बेस से और वगैरह गाइस लेके आता हूँ, वो सब काम करते में गाइस हमारा रात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मैं शैडो पे को भी इतना पावरफुल बनाने वाला हूँ ना गाइस कि जो बॉसेस वगैरह है ना गाइस, बॉसेस इसके सामने छोटे बच्चे लगेंगे, ठीक है सारे। रुको एक काम कर लूँ, पहले यहाँ से ये सारा सामान उठाने दो। हाँ और एक और बात मुझे पता चली है गाइस, एक और बात ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पैल डेक में देखोगे तो पैल डेक में ना कुछ ऐसे पैल्स हैं जो कि इंक्रीज अटैक पावर ऑफ आइस पैल, जो आइस वाले पैल्स का अटैक पावर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। समझो हम लोग ने यहाँ पे फॉक्सिलिक्स या जो भी है ये पैल, इसको पकड़ा, और इसको पकड़ के गाइज हम लोग ने गाइज हमारे इन्वेंटर में चार ही फॉक्सिलिक्स रखे और इसकी लेवल चार करी, तो सोचना गाइज हमारे फ्रॉस्टेलियन का डैमेज कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। जो हम लोग शैडो बैग के साथ करने वाले ना अभी, वो सेम चीज हम भाई एक मिनट रुक जाओ, फॉक्सिलिक्स को मैं पकड़ के लेके आ जाता हूँ ना डायरेक्टली, कई प्रॉब्लम है, पकड़ के लेके आ ही जाता हूँ, नो प्रॉब्लम हो भाई, ठीक है रुको, वो तो आइस बैग में मिल ही जाएगी। वैसे भी शाम होने तक हम लोग को कुछ ना कुछ काम करते ही रहना है, तो मैं जाके उसी को पकड़ के लेके आता हूँ। फ्रॉस्टेलियन जो है गाइस उसकी भी पावर मैं आपको दिखाऊंगा फिर आने वाले एपिसोड में, क्या बोलते हो, लेट्स गो। रुको पहले तो मुझे यहाँ से सारा का सारा और जो है गाइस उठा के बेस पे लेके जाने दो, जितना और मिल रहा है जितना कोल मिल रहा है सारा उठा के लेके जाना है, क्योंकि इसी की मदद से जो है गाइस, अरे 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 बस 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 भाई ओवरवेट हो गया, तो भाई ये सारा सामान उठाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान उठाना है, एकदम सारा का सारा सामान एक साथ नहीं उठाना है। आ ले भाई वुड डाल दे यहाँ पर, ठीक है कोल उठा लो यहाँ से भाई, ठीक है चलो आ जाओ, ओवरवेट हो गया था भाई, चलो अभी यहाँ से वुड उठा लेता हूँ मैं जल्दी से जो मैंने ड्रॉप करा था, ठीक है यहाँ से थोड़ा वुड उठाऊँ, चलो ये डाल देता हूँ। ऐसे कर करके कैसे ट्रांसफर करना पड़ रहा है सामान, बताओ यार क्या ही बोले, चलो धीरे धीरे करके सामान ट्रांसफर करते और एक साथ गए हम लोग हमारे बेस पे लेके जाएंगे, ठीक है हो गया ना सब कुछ तो कलेक्ट कर लिया मैंने, बस थोड़ा वुड जो है गाइस वो कलेक्ट करना रह गया। वुड से हम लोग जो है ना गाइस बनाते चारकोल, जिससे हमारा कार्बन फाइबर बनता है, ठीक है चलो लेट्स गो। हो गया ना सब कुछ, ओ यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, यहाँ पे कुछ और बचे हुए हैं क्या, यहाँ पे और बचे हुए हैं, उठा लेता हूँ उनको, और नए वाले और आ रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है चलो निकल लेते, जितना सामान भाई यहाँ पे जमा हो चुका है वो लेके डायरेक्टली बेस पे निकलते हैं। 6000 गाइस वुड टोटल इकट्ठा हो गया, तो 6000 वुड भाई मजाक हो रहा है क्या, चलो लेट्स गो, सारा का सारा वुड लेके घर पे जाता हूँ और इसे चारकोल बनाने के लिए डालेंगे, मस्त देखो, ठीक है वुड कोल वुड कोल भाई 1400 भाई साहब कितना ज़्यादा गाइस कोल है, देखो भाई अपने पास कोल देखो 1700 कोल, इसमें तो और होगा भाई, ये लो भाई 2000 और 2000 कोल, लेट्स गो भाई। अभी आप सोच रहे होंगे अचानक से इतना ज़्यादा और कोल कैसे मिलने लगे, आपको पता ही होगा हम घंटों तक गेम में जो है ना गाइस ऑफलाइन जाते हैं, ताकि हम लोग को जो है गाइस यहाँ पे ये जो सारे अंडे वगैरह है ना गाइस वो मिल सके, और उसके चक्कर में हमारा जो कोल और वुड जो है गाइस वो भी फार्म होते रहता है। तो भाई एक तीर से दो शिकार भाई, अबे क्या हो गया भाई ज़्यादा ही ओवरवेट हो गया लग रहा है, मैं ये यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ गन, ये देखो ये गन नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरवेट हो चुका भाई, यार ये क्या सीन है यार, ये क्या सीन है, ठीक है चलो कोई ना, ये सारा सामान जो है गाइस हम लोग हमारे तारे से वॉल्ट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है ये भी डाल दो, ठीक है जो मैमथ का मीट है उसको मुझे थोड़ा कुक करने के लिए डालना पड़ेगा, यहाँ पर मैमथ के मीट को कुक करने के लिए डालूँ, ये ना मैमथ का मीट जो है वो कुक करने के लिए डाल दिया मैंने, ठीक है चलो आ जाओ। अभी गाइस यहाँ पे पैलिनगढ़ बनाने के लिए डाल दो, बहुत बनेंगे 400 पैलिनगढ़, लेजेंडरी बॉल और बनानी है, बनानी तो है बट अभी फिलहाल के लिए ये भी डाल देता हूँ थोड़ा बनाने के लिए, ठीक है चलो लेट्स गो। चलो भाई ये अल्ट्रा स्पेयर थोड़े और उठा लिए मैंने, हुरिकेन्स को पकड़ने के काम आएंगे, एंड चारकोल 3000 बन चुका है ना, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बन चुका है चारकोल, और बनाने के लिए डाल देता हूँ, कितना बन रहा है और 3000 बन रहा है, जितना भी वुड लेके आया था मैं
वो सारा का सारा वुड जो है गाइस उससे हम लोग चारकोल बना रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो। अभी जो चारकोल बना है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उससे कार्बन फाइबर बनाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है गाइस। रुको, चारकोल को फर्स्ट यहाँ पे डाला जाए, उससे यहाँ पे बनेगा कार्बन फाइबर हमारा। ये रहा कार्बन फाइबर, 1400 कार्बन फाइबर, ठीक है लेट्स गो। अभी हमारी जो है ना गाइस यूज के लिए भी थोड़ा सा वुड चाहिए होता है हमको, तो वो वुड मिलेगा हमको यहाँ से। हमारे बेस पे जो बूशी है ना गाइस, वो बूशी है वुड इकट्ठा करने का काम करती है, ठीक है। सो बूशी का जो वुड है वो हमारे काम आएगा अभी यहाँ पे। चलो लेट्स गो, डन। अभी गाइस मैं चलता हूँ सीधा आइस वाले पाइप में। हुरकेट जो है गाइस वो रात में आएंगे, लेकिन वो जो स्नो प्लिक्स या जो भी गाइस हमने पाल देखी ना, उसको हम अभी आइस वाले पाइप से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्रॉस्टेलियन का डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर देगी, बहुत ज़्यादा है भाई, इतना ज़्यादा ना कि एक एक फटके में भाई, ठीक है, एक एक फटके में बड़े बड़े जो बॉसेस है ना गाइस उनकी बैंड बजे। शाइनी, ओ नहीं यार, ये स्वीप भाई, स्वीपा विपा नहीं चाहिए मेरे को, शाइनी भाई पहले बता रहा हूँ, नहीं भाई ये स्वीपा विपा शाइनी नहीं लूँगा मैं, पहले बता रहा हूँ। चलो आ जाओ, अभी हमको जो पैल चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा क्या? मिलना तो चाहिए मेरे हिसाब से, मिलना तो चाहिए। ये रही 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 अल्ट्रा बॉल, अल्ट्रा अल्ट्रा अल्ट्रा, ओके डन। यूज़ द गन ब्रो 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 ब्रो, यूज़ द गन, कैप्चर कैप्चर कैप्चर। डार्क टाइप अटैक कर रही है वैसे ये, ठीक है। और कितने कैप्चर करनी है मुझे? ये वर्कहोलिक वगैरह नहीं चाहिए भाई, बस नॉर्मल कैप्चर कर लूँ, चार कैप्चर करनी थी ना। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। कावड़, कावड़ इसका अटैक तो नहीं कम कर देगा ना? और चाहिए मुझे थोड़ी सी, ये नाइन टेल्स की तरह दिखती है भाई। ये रही तीन और मिल रही है, ठीक है, तीन और को पकड़ लेता हूँ, तीन और को पकड़ लेता हूँ। गोल्डन स्किल वाले मिल गए ना, तो भाई हमारे लिए तो फिर मज़े ही मज़े हो जाएंगे। थोड़ा मार भी खा लूँगा यार, क्या ही प्रॉब्लम है, मार भी खा लेंगे थोड़ा। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ठीक है ठीक है भाई, लेट्स गो। डाइट लवर आ रहे यार, स्टॉकर वगैरह ये ना मिले यार, माइनस वाली स्किल ना मिले, कुछ स्किल नहीं मिली चल जाएगा भाई, ये माइनस वाली स्किल ना मिले, इससे अटैक जो है कैसे इनका वो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चिलेट काफ़ी सारी यहाँ पे पड़े हुए हैं, बट मुझे वो भाई लंबी लंबी पूछ वाली नाइन टेल्स की तरह दिखने वाली फॉक्सेज चाहिए भाई, ठीक है। रात हो चुकी है, हुरकेट्स को पकड़ने के लिए जाएंगे हम लोग, काफ़ी सारे हुरकेट्स पकड़ के लेके आएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा गाइस डैमेज कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। अपने प्यारे से हमारे प्यारे से शैडो बेक का, ठीक है। अचानक से इनके अंदर आत्मा आ गई क्या? कैप्चर ही नहीं हो रही है यार, मैं क्या हो गया अचानक से इनको? कैप्चर क्यों नहीं हो रही है? चलो डन, जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई भाई। वेल ऑफ डार्कनेस काफी बढ़िया, ओके नाइस, जितनी चाहिए थी माइंड फुल, हाँ ठीक है, जितनी चाहिए थी उतनी हम लोग को मिल गए। दो रहे क्या? दो रहे, मारना नहीं, मारना नहीं भाई, मारना नहीं भाई, मासूम से, मासूम से पाल्स को मारना नहीं भाई, हो जाता है। दो रहे यहाँ पे, इनको कैप्चर करके मैं घर पे जाता हूँ और घर पे जाके जल्दी से, ठीक है ठीक है, ठीक ठाक वाली मिली है, ठीक ठाक वाली मिली है, ठीक है। आपको बस मैं दिखाऊंगा कि डैमेज जो है गाइस हमारे शैडो बेक का कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बस मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसका असली डैमेज स्टेट जो है गाइस वो तो हम लोग करेंगे गाइस आने वाले एपिसोड में, अभी तो हमको शैडो बेक का करना है, शैडो बेक का करना है, ठीक है। बैठो जल्दी आ जाओ, कम ऑन नाइस। कोल्ड ब्लडेड, ऑलराइट, कोल्ड ब्लडेड एबनॉर्मल, ठीक है। मुझे एक टेस्ट करना है, अगर मैं गोल्डन स्किल वाले यहाँ पे अगर यूज करता हूँ फॉक्सेल्स जो भी अभी हमको मिली है, तो क्या हमारा डैमेज और इंक्रीज होगा? तुम दोनों वहाँ पे जाओ, इसका डैमेज है 1983 बराबर। एक मिनट रुक जाओ, ये एबनॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल एक यूज़ कर लो, ब्लड ऑफ द ड्रैगन यूज़ कर लो, एक मिनट रुक, एबनॉर्मल से कितना डैमेज?
कितना है 1983 2983 था बराबर, ओके ठीक है 2100 ओके। एंड अगर मैं और कोई डाल देता हूँ, ब्लड ऑफ द ड्रैगन अटैक बढ़ाता है ना, ब्लड ऑफ द ड्रैगन कहाँ पे, ये रहा 2100। अच्छा मतलब कोई भी डालो आप लोग, एक परसेंटेज में आपका अटैक बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, एक परसेंटेज में अटैक बढ़ेगा। हाँ लेकिन अगर मैं इनका लेवल बढ़ाता हूँ तो इसका अटैक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। डन 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 सीन डन सीन है डन सीन है। ठीक है मतलब माइनस वाला अगर मैं कावर डाल देता हूँ तो भी इसका अटैक उतना ही बढ़ेगा। ठीक है और इनके पास कौन सी स्किल है वो मैटर नहीं करती है, इनकी लेवल मैटर करती है। ठीक है डन, चलो आ जाओ अभी हम लोग अभी कुछ उर्कैड्स को पकड़ने के लिए जाएंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए, दो और उर्कैड मिल गए, कोई भी स्किल हो यार हमको लेना देने नहीं, बस दो उर्कैड्स मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। ठीक है और उन उर्कैड्स की फिर मेरे को लेवल अप करनी है, वो भी कर लूँ। एक काम करो उर्कैड्स की लेवल अप ऑन द स्पॉट करेंगे ना हम लोग, ऑन द स्पॉट लेवल अप करेंगे। रुको उर्कैड भाई आ रहा हूँ, रुको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना, आ रहा हूँ। दो स्लॉट उर्कैड्स के लिए खाली करो, और दो उर्कैड जो है इसमें पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, उनके पास कौन सी स्किल है हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है गाइस हमको कुछ लेना देना नहीं है, इनके पास कौन सी स्किल है, बस हमको भाई उर्कैड चाहिए, भाई दो उर्कैड चाहिए, आई नीड टू उर्कैड्स, ओके ऑल राइट ठीक है। अरे व्हाट द एफ ब्रो, ठीक है कम हियर ब्रेव, नाइस काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सारे उर्कैड मिल गए, लॉगिंग फोरमैन वगैरह काफ़ी बढ़िया वाले उर्कैड मिले। थोड़े और उर्कैड कैप्चर करो, थोड़े और उर्कैड करो, अब इसमें से जितने कैप्चर हो रहे होने दो, जल्दी से मैं घर पे जाता हूँ और आके पहले इन बॉसेस की बैंड बजाऊंगा मैं। ठीक है चलो जल्दी चलो कुछ उर्कैड भाई चेंज करने मेरे पास जो है, वो मेरे पास कौन कौन से उर्कैड है मैं बताऊँ, विनगार्ड ब्रेव वाला डालो रनर डालो इसमें, एंड एक ब्रेव वाला होगा एग्रेसिव माइंड फॉर्मेंट, ठीक है ब्रेव वाला मेरे पास ही है क्या, ठीक है बढ़िया सी ब्रेव वाला डालो ना रनर की जगह पे, हाँ ब्रेव डाल देता हूँ, ठीक है डन। चलो आ जाओ अभी इनकी थोड़ी सी लेवल अप कर लेते हैं, लेवल अप से डैमेज बढ़ेगा वो भी चेक करते हैं। 2088 डैमेज है मेरा, 2088 डैमेज बराबर अभी फिलहाल के लिए, ठीक है जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डैमेज बन चुका अभी, ठीक है 2088 डैमेज है अभी। मुझे एक बार इनको मारने दो सबको, इन सबको अगर मैं मारूंगा तो मेरा लेवल अप हो जाएगा बराबर, लेवल अप हो जाएगी बढ़िया सी, तो मेरा डैमेज जो है गाइस वो कितना बढ़ चुका है वो मुझे देखना है। 2088 ही है जबकि मेरे उर्कैड्स के लेवल अप हो चुके हैं भाई, तो डैमेज अच्छा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता क्या डैमेज, मुझे तो भाई वो वीडियो जो मैंने ट्यूटोरियल वाली देखी थी उसमें वो बंदा बोल रहा था कि आपकी जितनी उर्कैड्स की लेवल अप होगी उसके ऊपर डैमेज डिपेंड करता है, बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है भाई यहाँ पर। लेट मी चेक एक और बार गाइस मैं थोड़ी लेवल अप कर लूँ इनकी, 40 तक लेवल अप करता हूँ फिर देखते हैं। 2088 रुको ना हो उर्कैड को निकालो, 1900 अभी 2088 ही होगा क्या, ठीक है एक और बार थोड़ी लेवल अप वो कर लूँ मैं, उर्कैड्स को मार दे मार उर्कैड को नहीं सॉरी मैमोरिस्ट को मार के उर्कैड के लेवल अप कर लेता हूँ, ठीक है और देखता हूँ फिर क्या सीन होता है। अबे नहीं मारना यार, मासूमों को क्यों मार रहे हो तुम, क्यों मार रहे शैडो बेग भाई मासूमों को, ठीक है डिवाइन डिजास्टर डाल देता हूँ आपको, डिवाइन डिजास्टर भाई लगने से पहले ये मारे जाएंगे, नहीं मारेंगे चलो कोई सीन नहीं है अभी तो मारे जाएंगे ये लोग डार्क लेजर का, ठीक है डन। 40 लेवल के जो है सो चुके हैं ये लोग, मैं ओवरवेट क्यों हुआ भाई, इतना ज़्यादा, यार ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है क्या, थोड़ा खाना शाना खा लूँ मैं, एटलीस्ट ओवरवेट से हट जाऊँगा। ए लेदर ड्रॉप करो यार, लेदर ड्रॉप करो
अच्छा इनको मारने से फाइबर मिलता है हमको। लेदर उठाओ, आधा ड्रॉप करो लेदर, आधा भी नहीं भाई, रुको आधे से कम हो जाएगा। डन, चलो घर पे चलता हूँ मैं जल्दी से गाइस अभी। और घर पे चल के ना मैं 2088 सेम डैमेज, डैमेज सेम है। तो भाई गाइस अपनी जो पैल्स होंगी उनकी लेवल अप मैटर नहीं करती है, जो हम लोग ने गाइस डैमेज बढ़ाने के लिए यूज़ करे उन पैल्स की लेवल अप मैटर नहीं करती है, ठीक है। अभी गाइस कितना अटैक एक्चुअली में बढ़ा है वो मैं चेकआउट करने वाला हूँ, ठीक है। हमने जो है ना गाइस चार उर्कैट्स को तो यहाँ पे लगा दिया, बट इन चार उर्कैट्स को लगाने से एक्चुअली में हमारा कितना डैमेज बढ़ा है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो ब्लू प्रिंट वगैरह जो मिली है यहाँ पे डालने, तो मुझे ब्लू प्रिंट वगैरह यहाँ पे डालने, तो ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उर्कैट्स के बिना जो है कितना डैमेज जा रहा है गाइस हमारे शैडो बैक। उर्कैट के बिना शैडो बैक का 1716 डैमेज है, ये देखो। अगर हम उर्कैट को अपनी टीम में ऐड करते हैं तो 300 डैमेज जो है वो हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाता है यहाँ पे। अभी वो 300 डैमेज कितना मायने रखता है, चलो आ जाओ गाइस बॉस फाइट करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बॉस फाइट करके डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि 300 डैमेज जो है गाइस वो एक्चुअल में कितना डैमेज है, ठीक है। शैडो बैग जो है गाइस वो भी हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल वाला यहाँ पे पैल बन चुका है, जो उर्कैट हम लोग ने यहाँ पे ऐड करे उससे, ठीक है। तो देखते कि ये कितना खतरनाक है। डिवाइन डिजास्टर मेन अटैक हम चेक करेंगे, खत्म खत्म। इसको तो पहले भी हम लोग वन शॉट मारे थे, असली फाइट होगी आइस वाले बायम में। उसके बाद जाऊंगा मैं डेजर्ट वाले बायम में, डेजर्ट वाले उस बॉस की बैंड बजाने के लिए, ठीक है। क्या लग रहा है हमारे जो है शैडो बैग से हम लोग डेजर्ट वाले बायम के बॉस को मार पाएंगे, शैडो बैग और उर्कैट का कॉम्बो जो है उसकी मदद से, ठीक है। देखते चलो, इसको हम लोग पिछली बार दो अटैक में मारे थे, कि अभी मैं इसको एक अटैक में यहाँ पे मार पाऊंगा, एक अटैक सिर्फ शैडो बैग का डिवाइन डिजास्टर वाला, एंड उसमें क्या इस बॉस की बैंड बच पाएगी। चलो आ जाओ, लेट्स सी ट्राई करते, आ जाओ ट्राई करते। डिवाइन ओ मैन माय डिवाइन डिजास्टर, नाइस। यार जरा से के लिए हम, लेकिन डैमेज बढ़ा तो है गाइस, डैमेज बढ़ा तो है, जरा से के लिए रह गया भाई, इतू से के लिए उड़ना काम खत्म था भाई इसका भी, जरा से के लिए भाई। रुको डेजर्ट वाले बॉस की बैंड बजाते आ जाओ भाई। डैमेज तो बढ़ा है पिछली बार से भाई, ज्यादा डैमेज है गाइस, मानना पड़ेगा ये बात, पिछली बार से काफी ज्यादा हाई डैमेज जा रहा है गाइस हमारे शैडो बैग का, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, शैडो बैग से हम इस फ्लाइंग जो है ना गाइस बॉस की बैंड बजाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो हमारे उर्कैट्स हैं और शैडो बैग है उसका कॉम्बो हम लोग अभी यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, देखते चलो। डिवाइन डिजास्टर, अरे भाई 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 भाई, नाइटमेयर बॉल खाएगा ब्रो, नाइटमेयर बॉल खाएगा फट से, नाइटमेयर बॉल सट से डार्क लेजर भाई, डैमेज तो है, डैमेज तो दे रहा भाई, जा भाई जा भाई। डिवाइन डिजास्टर मार इसको, दिखाओ अपने डिवाइन डिजास्टर भाई, डिवाइन डिजास्टर तेरा एक गोला नहीं लगा भाई डिवाइन डिजास्टर वाला। शैडो बिग भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहा है शैडो बिग भाई, तू इज्जत सीजा खा खिलाता उनको, शैडो बिग को हेल्थ डाउन है भाई शैडो बिग की, शैडो बिग इसको मार सकता है गाइस, इजी पीजी भाई, इजी पीजी। रुको इसको मैं खाली डिवाइन डिजास्टर वाले अटैक से, खाली डिवाइन डिजास्टर, ओनली डिवाइन डिजास्टर से बैठ जाता है इसको। डिवाइन डिजास्टर, अरे यार ये आसमान में उड़ रहा है ना, तो मेरे डिवाइन डिजास्टर गाइस इसको लग नहीं रहा क्योंकि आसमान में उड़ रहा है। चल भाई चल, कल आना भाई, अटैक लेके कल आना बेटा, ठीक है कल आना। लाड़ में हमला कर रहा हूँ, दम तो है, मानना तो पड़ेगा। डार्क लेजर डाल भाई, आदिल तो डाउन कर दे रुको, ठीक है। डिवाइन डिजास्टर रिचार्ज कर दिया मैंने ब्रो, डिवाइन लगा इस बार, डिवाइन डिजास्टर लगा है। बट मेरा ऑटोमेटिक एम जो है गाइस वो फ्लायर को नहीं लग पा रहा, प्रॉब्लम ये है भाई, फ्लायर को जो ऑटोमेटिक एम है ना गाइस अपना वो लग नहीं पा रहा यार। नाइटमेयर बॉल, नाइट जी जी,
इज ऑलमोस्ट डेड वैसे हम लोग ने मार तो दिया है। देखो ये, देखो ये डिवाइन डिजास्टर का ऑटोमेटिक एम, ये देखो मिस हो रहा भाई, मिस हो रहा है भाई, मिस हो रहा है यार, मिस हो रहा भाई। पार्टी साइड आओ, इसको वापस लो, वापस डिवाइन डिजास्टर भाई। इतना डिवाइन डिजास्टर डालूंगा, इतना डिवाइन डिजास्टर डालूंगा तुम्हें सोच ही ना होगी भाई। मार दे भाई। अरे यार अटैक अटैक, लेकिन इधर उधर निकल गया यार, थोड़ा अटैक इधर उधर निकल गया। हेलो आवर समझाए क्या पहले? डिवाइन डिजास्टर भाई, ये वाला अटैक लगा था भाई। टू एंड हाफ मिनट के अंदर जो है, टू एंड हाफ मिनट के अंदर इसकी पेटी बन चुकी है, ठीक है, टू एंड हाफ मिनट के अंदर। बट डिवाइन डिजास्टर अटैक जो है, अगर इसको अच्छे से लगता तो शायद से एक हाथ मिनट में मैं इस बॉस की बैंड बजा पाता, एक हाथ मिनट में। अब एक काम करते हैं गाइस, एक काम करता हूँ मैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में देखा है कि हमारा शैडो बेक जो है ना गाइस, वो पैलेडस और नेक्रोमस को बहुत गंदी तरीके से मार सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी वही ट्राई करने जा रहे हैं। वहाँ पे छः छः पैलेडस और नेक्रोमस मिलेंगे अभी हमको, ठीक है। एक एक दो दो नहीं मिलने वाले, छः छः मिलेंगे। सो थोड़ा सा संभल के आ गाइस, थोड़ा संभल के। इसको ड्रॉप करो नीचे, उठाओ। हेल्थ फुल होगी क्या इससे? इससे हेल्थ फुल नहीं होगी। चलो आ जाओ, नेक्रोमस और पैलेडियस छः छः मिलेंगे वहाँ पे गाइस टोटल। सो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, बट हम कोशिश करेंगे कि उसको मैं मार पाऊँ। ऑलराइट, छः छः को तो मारना मुश्किल है, बट मैं डैमेज टेस्ट करता हूँ गाइस कि नेक्रोमस और पैलेडियस के ऊपर ना हमारी शैडो बेक का डैमेज कितना जा रहा है। 2000 अभी फिलहाल के लिए तो शैडो बेक का डैमेज है। अगर बेसिक हमारे क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉस्टेलिन का डैमेज देखे तो उसका भी 1900 समथिंग जा रहा था, इसका 2088 डैमेज जा रहा है हमारे उर्कैड्स को लगाने के बाद। तो इसका डैमेज जो है वो फ्रॉस्टेलिन से ज़्यादा जा रहा है अभी फिलहाल के लिए, बट देखते चलो रियलिटी क्या है वो अभी पता चल जाएगा। वैसे ठीक है, पहुँच रहे हम लोग उसके पास, ठीक है। हमारे डिवाइन डिजास्टर अटैक में डालूंगा। एक काम करूँगा गाइस, एक काम करता मुझे भाई रियलिटी में देखना है कि सोलो मार सकता है कि नहीं गाइस, सोलो भाई, ठीक है, उर्कैड्स की मदद से। तो इसलिए मैं थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वन का पैल अपेरेंस रेट, वो पैल अपेरेंस रेट अभी फिलहाल के लिए मैं वन का रख रहा हूँ, ठीक है। हम लोग वन का पैल अपेरेंस रेट रख रहे हैं ताकि जो है गाइस वो नेक्रोमस और पैलेडस बॉस एक एक स्पॉन हो सके और उनसे सोलो सोलो हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे फाइट कराने वाले अपने शैडो बैग की। देखते चलो मेरा शैडो बैग जो है गाइस उनकी बैंड बजा सकता है कि नहीं, ठीक है। रेडियो, चलो आ जाओ शैडो बैग भाई। यार तुम्हारे एक तो हेल्थ फुल ना हुई अभी तक, यार क्या गुंडा बनेगा शैडो बैग भाई। तुम पैलेडस और नेक्रोमस के पास पहुँचने वाला हो वैसे मैं, बट हमारे जो है ना गाइस पैल के अभी तक भाई हेल्थ फुल नहीं हुई है। पिज्ज़ा वीज़ा खिला रहा हूँ इसको, बट क्या करे भाई, फुल ही ना हो रही हेल्थ। चलो कोई ना, डिवाइन डिजास्टर वाला अटैक डाल के दोनों की बैंड बजानी है। रेडियो गाइस, रेडियो ना, लेट्स गो। डिवाइन डिजास्टर ओके, नॉट डेड बैड। डार्क लेजर बोलते हैं। और समझाएगा भाई, ब्रो 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 डिवाइन डिजास्टर हार लगे बेचारे को, डिवाइन डिजास्टर देते देते देखो डिवाइन डिजास्टर। अरे पागल की ओर रखा भाई, पागल की ओर रखा है। चलो हमारा शैडो भी किसी से कम है क्या, हमारा शैडो भी किसी से कम है क्या भाई, कम है क्या बेटा? नेक्रोमस के बच्चे अभी दिखाता मेरी पावर, शैडो भी की पेटी बनने वाली ऑलमोस्ट। बेचारा शैडो भी बोल रहा होगा बहस की मेरे को वो करने दे। अरे 1 HP बचाएगा शैडो भी, गाइस थोड़ा शैडो बैग को रिजेन करने देते हैं, ठीक है, थोड़ा रिजेन करने देते हैं शैडो बैग भाई को। हाँ भाई दे डार्क एनर्जी, अच्छा उसने डार्क एनर्जी, उसने आइस वाला अटैक दिया। मारेगा तो तुमको शैडो बैग की बेटा, मारेगा तो शैडो बैग की। हाँ भाई और
टॉलरेंट चलना ओके ओके आन दो ओके आन दो नहीं बैंड बजा दे बेस कैप में बैंड बजा दे शैडो भी भाई जल्दी रिजेन करो यार वरना मैं बचूंगा नहीं फाइट लेने के लिए शैडो भाई को रिजेन हो चुकी है गाइस देखते हैं आर्मर डैमेज ठीक है उर्कैड भाई एक काम करो मैं जाओ ना तो उर्कैड भाई थोड़ा मार खा लो ना उर्कैड भाई हाँ उर्कैड भाई थोड़ा मार खा लो मैं डिवाइन डिजास्टर को जेट करता हूँ उर्कैड उर्कैड को किसने निकाला ओ शिट डैम अरे बाबा मारते शर्म नहीं आती बेस की शर्म नहीं आती भाई उड़कर भाई जाओ और उड़कर भाई मरेंगे तो बैंड बज जाएगी बेचारे अरे बाबा रे बाबा मर गया भाई अंधेरा कायम रहे तो मार के रहूंगा लेकिन भाई शैडो बेग से इनको मार के रहूंगा बेटा शैडो बेग की हेल्थ कम है थोड़ी वरना तुमको दिखाता मैं शैडो बेग की पावर ठीक है थोड़ी हेल्थ कम है ना पहले नेक्रोमस की बैंड बजाई जाए नेक्रोमस थोड़ा ज्यादा शाना बन रहा है भाई थोड़ा ज्यादा शाना बन रहा है उर्कड़ भाई संभाल लो ना यार थोड़ा उर्कड़ भाई थोड़ा संभाल लो थोड़ा और कड़ा भाई भागो डैप क्रैश कच्चे मिले उड़कैड भाई सॉरी रॉन्ग उड़कैड शिट बचूंगा कि नहीं कोशिश तो करूंगा बचने के एटलीस्ट डिवाइन डिजास्टर बेटा कल तेरा पार्टनर मर गया भाई तेरे पार्टनर की बाहर भेज दी डिवाइन डिजास्टर वो डैमेज तो है भाई लेट्स गो थोड़ा चीटिंग करा ठीक है इसका अटैक बड़ी बार बार चार्ज करा लेकिन दम तो है भाई दोनों को मारा तो है मेरी भाई हड्डी पसली एक हो गई गाइज इसको मारते लेकिन मजा आ गया अभी इतनी फाइट गाइज कर ही ली है तीन टावर बोसेस को मार ही दिया है तो चौथे को भी मार के आ जाते हैं गाइज क्या बोलते हो फोर्थ टावर बोस को भी मार के आ जाते हैं ठीक है इनको भी मार दिया नेक्रोमेंसी और पैलिडेस को फोर्थ टावर बोस को भी मार के आते रुको अपने डिवाइन डिजास्टर वाले अटैक से शैडो बेग के पहले तो भाई घर पे जाया जाए जल्दी से टीपी तो 400 किलोमीटर दूर है भाई का मूवमेंट स्पीड थोड़ा सा भाई कैजुअल है भाई ठीक है मार तो रहा है भाई एक एक दो दो फटकों में मार तो रहा है इसका रिजेन होना भी बाकी है शाम हो जाएगी ना अभी सो के मैं सारे के सारे पैल्स की रिजेन कर सकता हूँ वैसे पहले मेरा आर्मर जो है जो रिपेयर करने दो मेरा आर्मर जो है वो भी फिलहाल के लिए डैमेज्ड है उसको रिपेयर करने का काम करने दो मुझे चलो अभी जल्दी से घर पे चलते हैं आर्मर वगैरह रिपेयर करते हैं इसकी हेल्थ जो है गाइस वो बढ़ा देते हैं फिर देखते हैं गाइस क्या करना है ठीक है हाँ टावर बॉस तो मारेंगे चारों टावर बॉस को फिर मार के हमारा हो जाएगा आज के इस एपिसोड में ठीक है लेट्स गो चलो गाइस थोड़ा सा मैंने वेट करा और हमारी शैडो बेग की हेल्थ आप देख सकते हो यहाँ पे रिकवर हो चुकी है आर्मर डैमेज डेबल्स को रिपेयर करने के लिए इनगर्ड चाहिए इनगर्ड गाइस थोड़े से गाइस यहाँ पे जमा हो चुके हैं ठीक है रुको एक काम करता हूँ मैं जल्दी से इनगर्ड से अपने आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ और मेरे भाई इन्वेंटरी में भी कुछ इनगर्ड पड़े हुए हैं वो यहाँ पे डाल दूँ ठीक है डन ये दूसरी चीज़ें भी डाली जाए फिर ब्लूप्रिंट वगैरह कुछ ज़्यादा ही मिलती रहती है यार मेरे को ठीक है चलो आर्मर को भी रिपेयर कर लेते हैं और आखिरी टावर बॉस की भी कहीं चल के बैंड बजा के आते चलो शील्ड वगैरह रिपेयर है सब लेट्स गो आ जाओ भाई शैडो बेग से ही मारे शैडो बेग वर्सेस शैडो बेग फाइट होगी वैसे अभी यहाँ पे ठीक है आखिरी जो टावर बॉस है
वो है हमारा शैडो बिग बॉस भाई टावर वाला। तो शैडो बिग और शैडो बिग जो फाइट है वो अभी यहाँ पे भाई बेसिकली होने वाली है। मजा आएगा, देखते हैं गाइस कौन सा शैडो बिग जो है गाइस वो यहाँ पे जीत पाता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसको 5 मिनट के अंदर हम लोग खल्लास कर दे, ठीक है। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर खल्लास हो जाए भाई, देखते चलो हो पाता है कि नहीं। ठीक है, शैडो बिग वर्सेस शैडो बिग भाई, ठीक है। विक्टर एंड शैडो बिग और राहुल एंड शैडो बिग डिवाइन डिजास्टर ना। हवान दे भाई मार भाई इसको, मार भाई डार्क लेजर बराबर ड्रॉप। ओके कर अटैक कर अटैक कर अटैक कर अटैक कर कर अटैक भाई फेल है। अरे बाप रे इसके अटैक भाई एकदम परफेक्ट लग रहे भाई, एम पे मेरे अटैक नहीं लग रहे। उर्केड भाई थोड़ा बचाओगे मालिक को, थोड़ा माइक मालिक को बचाओ। उर्केड भाई की बैंड बच गई, पर उर्केड भाई की बैंड बच गई तो इसका डैमेज उतना ही रहेगा, डैमेज कम नहीं होगा। उर्केड बस हमारे साथ होने चाहिए, डैमेज कम नहीं होगा। क्या लग रहा है गाइस, आओ मर जाएगा ये तो, ऐसा तो इसकी बाढ़ बच जाएगी बेचारे की। अरे बाप रे भाई 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 बहुत गंदा मार रहा है यार ये, बहुत गंदा मार रहा है भाई। विक्टर भाई इतना भी नहीं मारा जाता यार गंदी तरीके से, इतना भी मारना नहीं चाहिए गंदी तरीके से भाई। ट्राई तो कर रहा हूँ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से इसको मारने की। बाकी पता नहीं भाई कितना काम आएगा यार। अरे बाप रे बर्फ का पुतला, ठीक है हट 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 जल्दी हट यहाँ से। आसमान की ऊंचाई पे और एक बैटक लगना नहीं चाहिए उसका। नाइस जीजी, अबे हमारा डिवाइन डिजास्टर दिखाएंगे इसको। ले बेटा डिवाइन डिजास्टर, हमारे पास डिवाइन डिजास्टर नहीं है क्या भाई। हमारे पास डिवाइन डिजास्टर ही डिजास्टर है भाई। ले मार खा मार खा, हमारे पास भी बर्फ का पुतला बन गया, बन गया बर्फ का पुतला भाई। गाइस इसको मारना ना डिफिकल्ट हो रहा भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा। ऊपर से भाई शैडो बिग को आग भी लग गई है, मेरे शैडो बिग को आग भी लग गई है। तो खाना खिला देता हूँ भाई को। भाई रुक जा भाई, मारूंगा तो तेरे को शैडो बिग से ही। रुक जा बेटा रुक जा, तेरा अटैक थोड़े खा लूं मैं। फट से शॉट, फट से शॉट। अरे अरे मुंह से भाई आइस वगैरह छोड़ रहा। फट से शॉट। थोड़ा गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है गाइस थोड़ा गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके नाइस जी, डिवाइन डिजास्टर इतने में तो चार्ज हो गया होगा। डैमेज तो डिवाइन डिजास्टर का अबे कैसे फ्रीज हो जा रहा हूं यार मैं। इसके अटैक से बच गया, नाइस जीजी। डिवाइन डिजास्टर बढ़िया, शिवाला डार्क लेजर अटैक। फिर से डिवाइन डिजास्टर डालेगा, काफी बुरा डाल डार्क लेजर अटैक भाई। अरे खतरनाक डार्क लेजर मार रहा है, तेरा डिवाइन डिजास्टर ना लगेगा मेरे को भाई, तेरा डिवाइन डिजास्टर ना लगेगा मुझे। आ जा भाई, कम ऑन, वी कैन डू इट।
भाई खुद से डिवाइन डिजास्टर डालेगा अभी। आग लगी पड़ी है भाई उसको, कहां से डिवाइन डिजास्टर डालेगा। मासन लड़ाई चल रही है, घमासान लड़ाई चल रही है, एकदम फुल फुल घमासान लड़ाई चल रही है, फुल घमासान लड़ाई चल रही है गाइस। फुल घमासान लड़ाई चल रही है भाई। हाँ भाई फुल घमासान लड़ाई चल रही है गाइस यहाँ पे। इसका डिवाइन डिजास्टर पूरा फेल हो जाएगा। जी जी नाइस, 50,000 हेल्थ बचे भाई, 50,000 हेल्थ बचे। इतने डिवाइन डिजास्टर डाल चुका हूँ इसके ऊपर, क्या बताओ। इतने डिवाइन डिजास्टर डाल चुका हूँ भाई, इतने में तो 10 बॉस मर जाते हैं। ये मरने का नाम नहीं ले रहा। 50,000 अंधेरा कायम रहे, कुछ दिख नहीं रहा बेस। ओके ठीक है डन। उसके अटैक से तो बच गया, 3 मिनट का टाइम है, 40,000 हेल्थ डाउन कर। ये मरना जाए कहीं, खुद से अटैक कर भाई, खुद से अटैक कर। काफी ब्रो कार पे नहीं जीत ब्रो। 34,000 एल इसका डिवाइन डिजास्टर ज्यादा पावरफुल निकला। हुरकेट भाई थोड़ा मार दे यार, थोड़ा सेलो अटैक खा लो, थोड़ा थोड़ा अटैक खा ले भाई। अरे बाप रे, हुरकेट के पास अटैक कहां से आ गया। आ जा हुरकेट भाई, तुम्हारा काम खत्म, थैंक यू। शिट, कुछ करने जाओ तो मार देता भाई। आंखों वापस वेस्ट करने के लिए अपना टाइम। यू कैन डू इट। 6,000, 5,000, 5,000, 8। ओके नाइस, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। चल कल कल बेटा कल कल, लेट्स गो। मैक्स लेवल शैडो बेग वर्सेस ऑल टावर बॉसेस, फाइनली फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे ये बैटल जीत गए। 3,00,000 एक्सपी मिला, लेकिन रात हो गई रे गाइस, पूरी रात हो गई ये बैटल करते करते। बाबा रे बाबा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक थी यार फाइट, लेकिन शैडो बेग का डैमेज तो बड़ा है भाई। आप लोग ने देखा होगा हमारा शैडो बेग जो है जो काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बन चुका है यहाँ पे। ये मेन चीज है और कुछ नहीं भाई। अपना भाई शैडो बेग जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस वाला बन चुका है। बाकी आप बताना शैडो बेग जो मैक्स लेवल का हमारा भी यहाँ पे ये हो चुका है, उससे जो हम लोग ने बॉसेस की बाढ़ बजाई वो आपको कैसे लगा, और जो हमारे हुरकेट से गए वो आपको कैसे लगे जरूर नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है पैलवेल्ड का, वो हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं। मिलते पैलवेल्ड के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जादू जादू वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शैडो बेग कैसे लगा जरूर बताना, और हमारे पैलवेल्ड की प्लेलिस्ट जिसमें आपको पैलवेल्ड के जितने भी अभी तक एपिसोड अपलोड हुए लाइन से देखने को मिल जाएंगे। सो पैलवेल्ड की प्लेलिस्ट भी जरूर से चेकआउट कर लेना। चलो मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.